हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग आए हैं, थंबनेल जाके देख के तो जान ही गए होंगे कहाँ आए हैं। इवेंट में आए हैं और मेरे साथ देखो कौन है। अभी इवेंट में नहीं आए हैं, झूठ बोले। पहुंच रहे हैं, रास्ते में रुके हैं रील बनाने के लिए। और मेरे कैमरामैन बने थे भैया। अभी एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, टाइम कट नहीं रहा था। ये हम लोगों ने बहुत सारी रील शूट करी हैं जो कि इनके ही चैनल पर इंस्टाग्राम पेज पर देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने कहा शूट कर दीजिए, तो आज इन्हें कैमरामैन बना दिया है। वैसे तो मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ, लेकिन आज तो इन्होंने ही लपेट लिया। आप लोग ने अगर भैया के इंटरव्यू नहीं देखे तो देखना, जाकर चैनल का लिंक दे देंगे, सारे इंटरव्यू देखना, मस्त है, मस्त आएगा। और इनके साथ जो है कल इंटरव्यू वीडियो शूट इस ब्लॉग के बाद आएगा वो ब्लॉग। हाँ बिल्कुल, वो ब्लॉग नहीं है, इंटरव्यू भी आएगा और वो भैया के चैनल पे होगा और ब्लॉग बनाएंगे तो मेरे चैनल पे होगा, मतलब इससे आएगा। बिल्कुल, आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा वो सारी चीजें। और मेरे चैनल का लिंक डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो विजिट करेंगे लोग, देख लेंगे कैसा क्या चलता है। अभी कितने सब्सक्राइबर हुए हैं आपके? मेरे भूल गए, 2500 होने वाले, 2500 होने वाले, भूल गए थे। इन्होंने आज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इधर इधर देखिए, आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने सिर्फ भोजपुरी सॉन्ग पर रील सारी बनाई है, क्योंकि आज भोजपुरी के इवेंट में ही आए हैं इसलिए। अच्छा, कौन आ रहा है, किससे हम लोग मिलने चल रहे हैं अभी? पवन सिंह, पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो आज है इवेंट यहाँ पर गॉब सिटी के पास में हम लोग आए हुए हैं, लेकिन लोकेशन नहीं बतानी थी तो सॉरी अबाउट दैट। कोई बात नहीं, अब देखते हैं, इनका कैमरा मैं संभालता हूँ। अब बताइए कैसा क्या फीलिंग है आप वहाँ पर इवेंट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं विजिट करने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या ही हम बताएं, पहली बार हम जा रहे हैं, कभी गए नहीं है, पहली बार जा रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, यही है, यही है मतलब लोकेशन मधुशाला नहीं, लोकेशन यही है। ऊंची चढ़ाई करनी पड़ रही है इवेंट में जाने के लिए। लोकेशन मत बताइएगा। हाँ लोकेशन नहीं बताएंगे। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं काफी टाइम से, देखो हम मिल जाती है वो लोकेशन। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, पावर स्टार पवन सिंह जी का इवेंट है, कुछ पर्सनल चीजें होंगी तो देखते हैं क्या चीजें हैं। थक गए, कुछ थक गए, बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो गाइस हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, कोई नहीं आया पहले से आके बैठे। एक्चुअली ऐसा था, इन्होंने टाइम भी बुलाया थे, टाइम से पंक्चुएट है, तो यहाँ पर हम लोग 6 इन द मॉर्निंग बुलाया गया था, 6 इन द मॉर्निंग इवनिंग। तो 6 बज चुका है, देख रहा हूँ टाइम, तो अभी भी यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोगों को ज़्यादा उत्साहित थे कि जल्दी मिलना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई नहीं आया। देखो गाइस यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मेरे से और कोई नहीं है, हम भी हैं कोई नहीं है, लेकिन ये बना बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होता है सेलिब्रिटीज का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्राइवेसी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्वायरी। अभी आप बताओ कि कितनी, मतलब कितनी ज्यादा मशक्कत करने के बाद यहाँ पे आने मिला। तो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है, और जब भी आप एंट्री लेते हैं तो 3-4 जगह पूछना पड़ता है रिसेप्शन में, फिर वहाँ से भेजते हैं किसी को कि आपको कहाँ जाना है, कितने ब्लॉक ही हैं। तो अभी इसके साइड में यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना है, वहाँ पर भी आपको लोकेशन दिखाएंगे, तो आ जाने देते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं क्या चीज़ें। गाइस अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और अभी तो कोई आया ही नहीं है, हम पहले पहुँच के आ गए। ये देखो इनकी ब्लॉगिंग शांत नहीं होगी, इनकी ब्लॉगिंग फोन आ गया किसी का। जो यहाँ पर पवन सिंह इवेंट ऑर्गेनाइजर है और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ है यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो यहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पर सिमरन यादव से, हेलो क्या हाल है आपका, और ये शालिनी जी और जेनी, हेलो, और वो सब लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एलईडी लगी हुई है, यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कौन भैया यहीं पर लाइव आएंगे, और किसी जी हेलो, ये आंटी कौन है, मम्मा है, बहुत ही लवली मम्मा है, हम भी आज ब्लॉग में आ गए हैं सुनील यादव जी के। और अपने इस भैया को तो मैं पहले से ही जानता हूँ, काफी रील्स वीडियो देखा है मैंने, और ये वाला स्टाइल इनका बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। तो अभी
ये भोजपुरी इतिहास में पहली बार है जो कि वर्चुअल लाइव के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। यहाँ से बैठे बैठे भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और यहीं से बैठे बैठे एंटरटेन भी होगा, वहाँ लोग डांस करेंगे और यहाँ से लोग देखेंगे। और इवेंट हम यहाँ भी अब आ गए हम लोग तो करेंगे। बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं और गाने को वायरल करने में इन्हीं का हाथ होता है। सारे इन्फ्लुएंसर को एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो प्लीज स्वागत है हमारे स्मार्टी ब्रदर का। प्लीज जानना चाहूंगा आपके बारे में। क्या दोस्ती होती है पवन जी से? क्या सब ने क्या और क्या पवन जी ने निभाया इनके साथ? इस दोस्ती का मिसाल कहीं और नहीं है भैया, दूसरा उदाहरण नहीं है। प्लीज आप लोग के पास माइक जाएगा, कोई आगे नहीं, आराम से बैठिएगा। पवन भैया हाँ भाई, आज नो डाउट जितने यूट्यूबर यहाँ पे हैं, मैं चंदन और मैं क्या कहूँ, जितनी दफा आपसे मिला हूँ एक पॉजिटिव वाइब मिली है, तो वो लगा है कि ये सब कुछ किसी जो सच्चे कलाकार है उनसे मिली। भाई मैं पवन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, इनफैक्ट कई ऐसे हमारे यूट्यूबर भाई यहाँ पे हैं। तने थोड़ा आप आगे आ जाए, तने आप आगे आ जाइए। और कई ऐसे यूट्यूबर भाई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पवन जी के लिए, पावर स्टार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और वो उन्होंने आपको दिल में बसा रखा है। और इनफैक्ट ये आपको अपने तरफ से आभार भी प्रकट करना चाह रहे हैं, दीपक सर के तरफ से आभार भी प्रकट करना चाह रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी में ये भी भैया एक इतिहास है। मैं बताऊं ये थैंक यू आपके लिए बाबू। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बोले आप तो मेरा भगवान है। अरे बाबू हम आपसे बात करेंगे सर, हमको इतना रोना आ रहा है, इतना खुशी से क्या बोलेंगे। खुल के हंसो, रोने का नहीं। हाँ सर, बहुत मानते हैं आपको। थैंक यू बाबू, जैसे मानते हैं आपको ऐसे मानते हैं सर, कभी नहीं सोचे थे आपसे हम बात होगा। अरे सर, जो हाथ में आपका टैटू भी बना दिया सर, क्या करते हैं आप सर? हम भी कभी नहीं सोचे थे कि आप लोग मुझे ऐसे स्थान पर बिठाएंगे। थैंक यू सो मच। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि हमको 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 आप लोग ऐसे स्थान पर बैठाएंगे। हम सब मौजूद हैं, बैठे हैं, हमारे दाहिने साइड में सिनेमा आर्ट्स जो यूट्यूब का चैनल ओपन हुआ है, भैया उसके मालिक हैं हमारे बड़े भाई अभय सिंह जी, और ये लेफ्ट साइड में हमारे यश भैया बैठे हैं, ये भी मालिक हैं, और आशीष पांडे जी बैठे हैं, ये भी मालिक हैं, ये जानवी दुबे जी बैठी हैं जो इस गाने में काम किए हैं, और भी मित्र लोग बैठे हैं क्या जी? हम सब अपने अम्मा लगे बहन ना बोला। और मैं आपका भाई पवनवा बैठल बा। तो क्या है ना, कभी जैसे गाड़ी में हम बैठी ला कहीं दूर जाए के होला ना, तो हम जैसे गाना रिलीज होला चाहे इंस्टा पे हम कुछ पोस्ट करी ला या अपने पेज फेसबुक से ना, तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ के मन गदगद हो जाता, और कहीं भी आदमी जाता है तो हम और दीपक जी ही गाड़ी में या रूम में बैठ कर हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रदर हम लोग जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे, ये जो हमारे यूट्यूब जो हमारे भाई लोग आप लोग चलाते हैं, किसी से बात हो पाती है धक्का मुक्की में, किसी से नहीं हो पाती है, क्यों धकेला जाता है, क्यों बांकी में गिर जाता,
तो अब तक तो इतना काम हुआ और जब तक जिंदगी रही तो हम लोग के आशीर्वाद से काम तो होते ना रही। तो हम लोग ये सलाह दिए ना कि हाँ ये जो भाई जो हमारे लिए इतना सही भाई, वो कौन सा लड़का था जो मेरे से बात किया? गौरी शंकर भैया, गौरी शंकर भैया, ठीक ना। तो हम लोग यही सोचे कि हम लोग भाई इतना सारा काम किए, कुछ और सोचा जाए। तो हम दीपक भाई, आपने, हम दीपक भाई और भैया लोग यही ये किए कि भैया ये जो लड़के हैं, ये जो हमारे भाई हैं, कलाकार के बारे में इतना सोचना, दिन रात यहाँ गिरना, वहां धक्का खाना, कहीं टाइम पर खाना मिल ना मिलल, लेकिन हर बात का न्यूज बनाना, प्रशंसा करना, उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू। जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग अपने जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़िए। तो आज हमने कुछ नहीं किया, ये आप लोग कभी मत सोचिएगा कि पवन सिंह ने कुछ किया, नहीं। ये मेरे अंदर एक श्रद्धा है जो मैं चाहता हूं कि हर बार हम सब भाई एकत्रित हो, इकट्ठा हो, और आप लोगों से हम सॉरी भी बोलना चाहता नहीं कि आप आज हम आप सबके बीच में बानी ना। लेकिन हमारे दीपक भाई हमको रास्ता बताए कि ब्रदर क्या है ना भाई, किसी का फिल्म चल रहा है, यहाँ पे एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है जियो मेरी जान। एक्शन किया दिन भर, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर जाके रात भर शूट करूंगा। तो किसी का नुकसान करके अगर हम कहीं जाएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमको दीपक जी रास्ता बताए कि भाई ऐसे ऐसे ये है कि हम आप लखनऊ से ही अपने भाइयों से मिल लेंगे, अपने भाइयों को देख लेंगे, और आज हम आप सबके बीच में बैठल बानी, आप सबके देख रहा बानी, आप सब इकट्ठा भाई बढ़ा जा, ये देख के हमारा बहुत खुशी होता। थैंक यू सो मच जो आप सारे भाई इकट्ठा हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इनके फैन तो थी, पर गाना बहुत पसंद करती थी इनका, और बचपन से मतलब डांस करती थी, तो मुझे चांस मिला और अच्छा भी लगा। और ये गाने को आप इतना प्यार करिए, मतलब इतना दीजिए, सपोर्ट करिए, कि बस जब जानवी दुबे जी आप पवन सिंह जी के साथ पहला काम कर रही हैं, कैसा लगा काम भाई? एक ही लोग सवाल ना करें, कुछ और भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, उसको भी सवाल का मौका दिया। एक ही लोग ऐसे लग रहा है कि माइक लेके खड़ा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े स्टार हैं, उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? यूट्यूब चैनल से अभी गाना रिलीज भइल है, फराक फाटल बा, सिनेमा आर्ट्स चैनल से हर हर गंगे फिल्म का टीजर जो है वो आप सबके बीच में 14 तारीख को आ रहा है। जवानी तो हर जाता से जातल बा, जवानी तो हर जाता से जातल बा, फरक है खूटा से फाटल बा। जी दिन भर चिल्लम चिल्ली करके एक्शन कैले बनी ना, तो तनी अवधि अलग गई बा, दूसरे मैटर मत बने ऐसा। ओके अपने बारे में बताइए, दर्शकों को बताइए, बताइए बताइए, कैमरा फोकस करो इधर, हाँ दिखाओ दिखाओ। देखिए हमारे दर्शकों को दिखाइए, प्रयास कर रहा हूँ, विश्वास है आरा किस तरह है और भोजपुरी किस तरह है, हमारा पावर स्टार यानी पवन सिंह लगातार हम लोग कवरेज करते हैं। हाँ जी और बढ़िया पटल बात तो हाँ बहुत अच्छा लगा, तो हाँ कैमरा मैन आज बढ़िया से फोकस ना करे तो उनका उठा के पटक दिए। ये अभी के सबसे बड़ी खबर बड़ी खबर आपकी नस्बत है, ये कौन सी है? हमारे जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई ये हम लोग छोटे थे, ये हम लोग हमारा क्या बोले के बारे बड़े भाई है, आप तो भोजपुरी के शेर है, आरा के शेर है, बहुत से मैं हमेशा यही बोलता हूँ ना भाई कि मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी का प्यार हूँ, आशीर्वाद हूँ, और चलिए जीवन जीवन है, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमेशा मिलेंगे, हमेशा बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन लेकिन आप भोजपुरी में नंबर वन काम करते हैं, आप आज यहाँ नाच के चल जी पांच को जो गाना लाते हैं ये हेलीकॉप्टर वाला, हाँ हेलीकॉप्टर वाला, और भोजपुरी में पहला आपने काम किया वैसा, उस पर क्या कहिएगा? हम हाँ ये देवाना कालिका चिके
आया जई है पांच के चल जई है नाच के मैं फिट बाइक ले रहा हूँ और मैं एक क्या इस पे फिट हो भैया भैया मजा आता है यार जैसे तुम्हारी एंट्री हो देखो हमारे साथ जो बैठे थे आधे लोग खड़े हो गए अच्छा बात है क्योंकि यह भोजपुरी के जाना जरूरी होता है कि हम लोग ऐसा पल पल के रिपोर्ट देते हैं ऐसा मोमेंट बना कर देते हैं लोग सुनता है मैं अभी चाहूंगा कि कृपया जो कैमरा फोकस करना है वो दीपक सिंह के पास जल्दी करिए ठीक है अभी रात भर मुझे शूटिंग करनी है आज कोई इंटरव्यू नहीं है हेलो हेलो आप हेलीकॉप्टर लेते हैं और उसके एक प्रयास छोटा सा करते हैं हम कि मैं भी हेलीकॉप्टर पर गाना बनाते हैं आपने देखा कैसा लगा तो अरे गाना हम हेलीकॉप्टर वाला देख रहे नहीं बड़ा बढ़िया लगा क्या काम किए हो लव यू थैंक यू सो मच खूब आगे बढ़ो जो हम लोग हेलीकॉप्टर पर दोनों गाना लाए हैं और लॉलीपॉप मैडम के साथ आगे से माइक उठा दीजिए प्लीज दीपक जी दीपक दीपक जी और ये अभी दीपक जी ये बकाया है कि एक पार्टी मैं और करूंगा जिसमें सारे भाइयों के साथ मैं बैठूंगा और साथ में खाना खाऊंगा ठीक है थैंक यू सो मच भाई लव यू ऑल आप लोग अपने अपने जीवन में सारे भाई खूब आगे बढ़े थैंक यू सो मच गुड नाइट आदमी बैठ के इंतजार कर रहा है थोड़ा मैं शूटिंग कर लूं थैंक यू सो मच मेरे भाई लव यू थैंक यू जानवी आप थैंक यू और जितने भी क्रिएटर्स आए हैं सब बाकी क्रिएटर्स आ गए वीडियो के सामने और इधर भी डांस हो रहा है हो गया ना ब्लॉग चलना ब्लॉग सबका मजा आ गया देखिए मजा और मेरे बहुत ठंडी लग रही है ठंडी लग रही है ठंडी होगी बोल के शॉर्ट ब्लॉग ही डालते रहते हैं हमारे ही है हेलो वो उधर देख रहे दीदी आज हम पहली बार इनसे मिले बहुत अच्छा लगा मिल के आपसे उनके फोन में दूर से स्माइल कर दिए जा रहे हैं खाने हरकत हर खूटा सिर्फ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना भारत माता की बोलो भोजपुरी की जय बोलो रत्नेश भैया की आपकी है अरे मत डालिए कहेगा सब अपना प्रमोशन कर रहा है नहीं कहाँ जाए इधर इधर अरे अरे मेरा लिंक नहीं था अभी यार सब दवाएं नहीं बताई कहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं होटल से और बहुत अच्छा लगा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके और आप लोग भी पूरा एंजॉय किए पवन सिंह सर से मिले यार मजा आ गया एंड कर रहे हो ऐसा कोई ब्लॉग नहीं है जिसमें मैं आया नहीं हूँ सारे ब्लॉग के नेता माता श्री की हाँ आइए आप भी आ जाइए हेलो ये प्रियांशी की मम्मी प्रियांशी पीछे है और अभी क्या अभी एंड कर रहे हैं अब तेरा लग रहा है जा रहे हैं घर बहुत रात हो गई तेरा बजने वाला है चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय
मिला ये तो बताने ही भूल गए। ये तो सब लोग को मिली, सारे क्रिएटर को, प्रियांशी को भी मिली। प्रियांशी मिली कुछ आने का फायदा और क्या। इधर सिमरन को भी मिली है, वो देखो आंटी।